पश्चिमी हथियारों के दम पर यूक्रेन अब रूस के घर में घुसकर बारूद बरसा रहा है। ज़ेलेंस्की की फौज ने ऐसी तबाही मचाई है कि मॉस्को तक में हड़कंप मच गया है। यूक्रेनी ड्रोन एक बार फिर गेम चेंजर साबित हुए हैं। यूक्रेन ने अपनी ड्रोन ताकत का फिर से जोरदार इस्तेमाल कर रूस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूस की हवाई ताकत को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेनी ड्रोन्स के रूसी एयरबेस पर सटीक टारगेट से जमकर तबाही मची है। यूक्रेन के ड्रोन ने उत्तरी रूस में आर्कटिक बेस तक रिकॉर्ड 1100 मील की उड़ान भरी और सुपरसोनिक जेट्स पर भीषण हमला किया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन रूस को बराबर चुनौती दे रहा है। यूक्रेन के ड्रोन लगातार रूस के लिए बड़ी पहेली बनकर सामने आए हैं। रूस भी यूक्रेनी ड्रोन्स का मुकाबला करने में फिलहाल कमजोर दिखा है। दरअसल यूक्रेन के ड्रोन रूस के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर रूसी सीमा में घुसकर तबाही मचा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के ड्रोन्स की हवा जमीन और ब्लैक सी पर भयंकर भिड़ंत जारी है, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन्स ने अपनी धाक जमाई हुई है। लेकिन अब रूस ने भी यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों से बचने की बड़ी तरकीब निकाल ली है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने अब यूक्रेनी ड्रोन्स का तोड़ निकाल लिया है। अब तक रूस में तबाही मचाने वाले ड्रोन्स को रूस इंटरसेप्ट कर सकता था। रूसी मीडिया ने बताया कि रूस ने यूक्रेनी ड्रोन्स ऑपरेटर्स का पता लगाने के लिए एक नए सिस्टम को ईजाद किया है। हालांकि इस पर फिलहाल रूसी रक्षा मंत्रालय ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। न्यूज एजेंसी आरआईए के मुताबिक हवाई ड्रोन बेड़े को ऑपरेट करने वाली यूक्रेनी टीमों का पता लगाना रूस के लिए बेहद मुश्किल है, इसलिए काउंटर ड्रोन तकनीक का मकसद यूएवी बेड़े की प्रभावशीलता को कम करना है। रूस के ड्रोन सिस्टम की बात करें तो कोबरा सिस्टम बाहरी तौर पर एक गेम कंसोल की तरह दिखता है। इसमें यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों को ट्रैक करने और रियल टाइम में मैप करने की ताकत है। सिस्टम के डेवलपर स्टैनिस्लाव ने रूस की न्यूज एजेंसी आरआईए नोवोस्टी को इसकी जानकारी दी है। इसमें बताया गया कि कोबरा सिस्टम पहले से ही टेस्टिंग में है, फिर यूक्रेन के खिलाफ इसे मैदान में उतारा जाएगा। बताया जाता है कि इस सिस्टम को बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा। दरअसल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपनी ड्रोन ताकत का तगड़ा इस्तेमाल कर रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने फ्रंटलाइन पर कई मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी का इस्तेमाल किया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन के ड्रोन प्रोजेक्ट्स को लीड कर यूक्रेनी नेता मिखाइलो फेदोरोव ने कहा कि ड्रोन कभी कभी आर्टिलरी से भी ज्यादा कुशलता से काम करते हैं। एफपीवी ड्रोन वास्तव में एक तकनीकी क्रांति है। भले ही तकनीक खुद काफी आसान है, लेकिन ये बहुत कुशल साबित हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर मोर्चे पर सर्वोच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्यों में से एक है। आपको बता दें कि बीते दिनों यूक्रेन के ड्रोन पावर को काबू करने के लिए रूस को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। रूसी सेना ने यूक्रेन के जेट से ऑपरेट होने वाले ड्रोन को अपने कब्जे में लिया था और इसे जांच के लिए भेजा था। माना जा रहा है कि जल्द ही रूसी सेना यूक्रेन के लंबी दूरी वाले ड्रोन्स का बखूबी मुकाबला करती दिखाई दे सकती है। ऐसे में रूसी मीडिया का दावा इस बात की पुष्टि करता है कि रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों का तोड़ निकाल लिया है।